स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल एमलिम क्रिप्टो कॉन्सेप्ट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीकूपन के घटिया चाल के बारे में, किस तरह से मार्केट में इस तरह की कंपनियां लोगों को लूट रही है। आज की दोस्तों इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे, बताएंगे दोस्तों क्या इस कंपनी के आगे के फ्यूचर हो सकते हैं, क्या दोस्तों कंपनी आगे कर सकती है। तो वीडियो को दोस्तों पूरे अच्छे से देखें ताकि आपको समझ में आ सके और दोस्तों आप इन सब कंपनियों से सावधान रह सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दोस्तों जो भी अपडेट हो जिस भी कंपनी के बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं टॉपिक पे। तो जैसा कि दोस्तों कंपनी ने हम लोगों से वादा किया था कि वो अपने सिस्टम को डिसेंट्रलाइज्ड बनाएगी और साथ में साथ दोस्तों बहुत अच्छी सर्विस हमें देगी, लेकिन दोस्तों हुआ कुछ उल्टा और दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे कंडीशन लाना शुरू कर दिया और दोस्तों साथ में ही लोगों को विड्रॉल की भी रुकावट आने लगी। तो दोस्तों क्या है कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जान लेंगे। तो यहाँ कंपनी ने अपना प्रोफाइल दिखाया, लेकिन दोस्तों यहाँ एक बहुत बड़ी यहाँ पर डाउटेबल है कि यहाँ पर देखिए आप ट्रेड नेम इफ एनी रीड रेड बबल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कंपनी ने रेड बबल के नाम पर अपनी यहाँ पर जो GST का सर्टिफिकेट है वो रेड बबल के नाम पे लिया है। तो दोस्तों बहुत बड़ा यहाँ पर लोचा है क्योंकि रेड बबल नाम की कंपनी इससे पहले एक साल पहले भी आ चुकी है और एक साल पहले इसने काफ़ी बड़ा स्कैम कर चुके हैं। अगर आप दोस्तों YouTube में आप यहाँ पर सर्च करेंगे, अगर दोस्तों आप रेड बबल के बारे में YouTube पे सर्च करेंगे रेड बबल MLM प्लान, तो बहुत सारे प्लान आपको एक साल पहले के डेढ़ साल पहले के आपको मिलेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये कंपनी बहुत ही दोस्तों कॉपी तरह के प्लान लाती है, मतलब जो भी सिस्टम दोस्तों ये देखती है अच्छा चल चुकी है बस उसी का ये कॉपी प्लान यहाँ पर ले आती है। इससे पहले दोस्तों रेड बबल जो है वो ड्रीम इंडिया ड्रीम के कॉपी प्लान ये लाई थी, जो कि ड्रीम इंडिया ड्रीम आपको याद होगा काफ़ी अच्छा फ्रॉड वो कर चुकी है, काफ़ी बड़ा वो फ्रॉड कर चुकी है। तो ठीक इसी तरह से रेड बबल भी आई थी जो ड्रीम इंडिया ड्रीम के प्लान पर डिपेंडेंट थी, लेकिन अब जब फोरसाज अच्छे से चलने लगी फोरसाज को देखकर एक्चुअली में इसने अपनी दूसरी कंपनी यहाँ पर ले आई रीकूपन। और ताजुब की बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि इसका GST सर्टिफिकेट बिल्कुल रेड बबल के नाम पे ही है। दोस्तों जब आप इसकी वेबसाइट को ओपन करोगे तो कंपनी ने यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पर एक नया चाल इसने अपना नया पेत्रा यहाँ पर लेके आई है। कंपनी यहाँ पर आपको लिए अवार्ड बहुत सारे अवार्ड रिवॉर्ड लेके आई है, लेकिन दोस्तों आप इन सब चीज़ों पर नहीं फंसना क्योंकि दोस्तों यहाँ इनकम बोलकर कुछ भी नहीं है, जो इनकम है वो सारा कंपनी को है। मैं दोस्तों आपको एक आईडी को देखकर बताऊंगा जो कि मेरी ही आईडी है और दोस्तों यहाँ पर क्या इनकम हुआ है वो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कुछ रिवॉर्ड एंड अवार्ड रखे जो कि दोस्तों आप इनसे दूर ही रहे तो बढ़िया है। और साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूँ किसी भी प्लान को यूट्यूब पर देख के ही ज्वाइन नहीं करना है, बाकी दोस्तों आप अपनी तरफ से अच्छे से एनालाइज करके ज्वाइन करें। और इस तरह के जितने भी प्लान डिसेंट्रलाइज्ड प्लान बोले जा रहे हैं कि वो INR कॉन्सेप्ट में डिसेंट्रलाइज्ड प्लान आए, तो दोस्तों इन सब चीज़ों का तुरंत दोस्तों बिलीव ना करें और पहले अच्छे से एनालाइज करें। और दोस्तों एक और सबसे बड़ी बात, जितना कम हो सके उतना कम ही इन्वेस्टमेंट करें, हो सके तो छोड़ ही दें क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंडियन में कोई डिसेंट्रलाइज्ड प्लान चल सकती है। अब दोस्तों इसे हम डिलीट करते हैं और हम लाते हैं दोस्तों अपने लॉगिन ऑप्शन को। तो यहाँ दोस्तों मैं अपनी आईडी को लॉगिन करता हूँ, तो ये दोस्तों मेरी खुद की आईडी है जहाँ आप देख सकते हैं 29,000 का अर्निंग मुझे हुआ है, लेकिन दोस्तों इसमें सच्चाई क्या है तो मैं आपको बता दूँ इसमें महज से महज 7,000 का प्रॉफिट मुझे मिला है, बाकी का अपग्रेड करने पे और दोस्तों इसकी जो अपग्रेडेशन का ऑप्शन था उसी पे चले जाते हैं बिल जी। दोस्तों यहाँ पर मैंने जो स्लॉट बाय किया है आप यहाँ पर सबसे पहले स्लॉट देख लें, टोटल दोस्तों X4 में मैंने 4,000 2,000 और 1,000 तक का स्लॉट बाय करके रखा है, लेकिन इनकम क्या हुई आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी आईडी आ रहे हैं वो सारे तो हमारे अपग्रेड पे ही चले जाते हैं जी हाँ। दोस्तों जो इनकम आपकी होनी चाहिए वो सारा कंपनी को चला जाता है और थोड़ा सा अर्निंग महज 7,000 की अर्निंग हमें यहाँ पर हुई है क्योंकि जितना यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने स्लॉट बाय करके रखा है और दोस्तों जो इनकम भी होती है वो अपग्रेड पे ही चली जाती है। तो इस तरह से कंपनी यहाँ पर अपना ढेर सारा प्रॉफिट ले रही है और हमें बता रही है कि हमारे इतना प्रॉफिट हुआ, लेकिन मतलब तो जितनी भी आईडी को आप यहाँ पर ओपन करते हैं जिनका भी आप 2-3 लाख का अर्निंग देखते हैं, एक्चुअली में दोस्तों उनकी इतनी अर्निंग होती नहीं है, वो मैक्सिमम जो अर्निंग होती है वो चली जाती है अपग्रेड पे और जो उससे ज़्यादा का उसको स्लॉट बाय करके रखते हैं। तो इस तरह का दोस्तों यहाँ पर गड़बड़ चल रहा है, इस तरह से कंपनी यहाँ पर घोटाला कर रही है। अब दोस्तों आगे का देखते हैं, तो मैंने जैसा कि बताया कंपनी कंडीशन पे कंडीशन लगा रही है जी हाँ। तो अब यहाँ पर मेन एक और कंडीशन कंपनी ने ला दी है
कि अगर आपको विड्रॉल चाहिए तो आपको अपना नेक्स्ट स्लॉट बाय करना पड़ेगा। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आपने 16,000 तक का स्लॉट बाय करके रखा है और आपकी अर्निंग अभी 3-4 हज़ार रुपये आई हुई है, तो आपको उसे विड्रॉल लगाने के लिए अब 32,000 का स्लॉट आपको बाय करके रखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि आप 3-4 हज़ार रुपये के लिए फिर से 32,000 का स्लॉट बाय करेंगे। जब आप 16,000 के स्लॉट बाय करके अर्निंग नहीं कर पाए, तो क्या आप 32,000 के स्लॉट बाय करके अर्निंग कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं दोस्तों, ये एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्लान बना चुकी है, ना कि डिसेंट्रलाइज प्लान, जबकि कंपनी ने यहाँ पर वादा किया था कि वो डिसेंट्रलाइज लाएगी, बहुत सारे सर्विसेज लाएगी। तो सर्विसेज का तो अभी पता नहीं है, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज का वादा तो खोखला निकला, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्लान बनाने की कोशिश कर रही है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर कर रही है। मेरा दोस्तों, इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य केवल आपको सावधान करना है। अगर आपने इसे ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप भी दोस्तों इस पे ज्वाइन ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों उन लोगों को शेयर करें जो दोस्तों इस पे ज्वाइन होना चाहते हैं। दोस्तों इन सभी को शेयर करें, ताकि वो इस तरह के प्लान, इस तरह के फ्रॉड प्लान से बच सके और अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ रख सके। दोस्तों, किसी भी सिस्टम का सबसे मेन जो ऑप्शन होता है वो होता है कंपनी की पे आउट, कंपनी का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट तो यहाँ पर कुछ है नहीं, लेकिन कंपनी का पे आउट में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी है। कंपनी ने यहाँ पर कंडीशन रख दी कि आपको पे आउट लेने के लिए फिर से नेक्स्ट लेवल को, नेक्स्ट स्लॉट को आपको बाय करना होगा। तो ये दोस्तों काफ़ी मुश्किल आने वाली है आने वाली घड़ी में, और दोस्तों इस कंपनी का फ्यूचर अच्छा नहीं लग रहा है। तो बचे दोस्तों इस तरह की कंपनी से दूर रहें, इस तरह की कंपनी से, और दोस्तों उन लोगों को शेयर करें जो दोस्तों अभी इसमें इस तरह के प्लान को ज्वाइन करना चाहते हैं। कोई भी दोस्तों आईएनआर का कोई भी इस तरह का कॉन्सेप्ट हो जो ये दावा करता हो कि वो एक डिसेंट्रलाइज प्लान है, तो दोस्तों इन सब चीज़ों पर आप बिलीव ना करें, इन सब प्लानों से आप दूर रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।